Health is a precious gift from nature to mankind. Health enables us to enjoy all colors of life and live it to the fullest. This gift from nature is in jeopardy by dangerous diseases such as hepatitis. This life-threatening disease is known as silent killer, which enters a human body in the form of a virus. It can easily be diagnosed with a simple blood test and can be successfully healed due to availability of complete treatment. But unfortunately, due to lack of awareness, education, finance and limited resources, people in our country tend to turn a blind eye towards such an imperative issue and bear the consequences in future. Currently, there are approximately over 20 million diagnosed patients of hepatitis in Pakistan, and maybe hundreds of thousands of viral hepatitis patients in the country who are unaware of their status. According to an estimate, around 10% of the total population of Pakistan are suffering from hepatitis B, C, D, and E. Only in Sindh, this percentage is higher, which is 15 to 25%, and in some rural areas, even more. After China, Pakistan has the second highest number of hepatitis patients in the world. Al Rahman Trust is providing free community services to the underprivileged since 2003 and has started a new clinic called the Liver Foundation registered as its associated trust. At the Liver Foundation, all liver-related diseases, especially hepatitis B, C, D, and E patients, are treated under one roof free of cost, which is normally an expensive and difficult task. मेरा नाम शेरिन रहमान है मैं सुल्तानाबाद के इलाके से आया हूं यह बीमारी मुझे बहुत अरसे से है लेकिन कोई ऐसा इदारा मुझे नहीं मिला था जिसके वजह से मैं अपने इलाज करवा सकता था मुझे यहां पे असदुल्ला कुंडी साहब जो है उन्होंने मुझे यहां भेजा है मुझे हेपेटाइटिस सी है इसलिए मुझे यहां पे उन्होंने भेजा है दी लिवर फाउंडेशन में यहां से जो है मेरा इलाज बिल्कुल फ्री में हो रहा है जितने भी टेस्ट है खून के अल्ट्रासाउंड है वो बिल्कुल फ्री में करके देते हैं मेडिसिन वगैरह भी बिल्कुल फ्री में देते हैं मेरा नाम अजीबा है और मैं गडाब शहर से आई हूं मुझे काला पी लिया था इसके अल्लाह का शुक्र है मुझे बहुत फायदा हुआ है मेरा नाम मोहम्मद जमन जोखियो है मैं गडाब टाउन से आया हुआ हूं हेपेटाइटिस के मर्ज में मुतला था ऐसे एक दिन ख्याल आया मैंने कहा शहर से चल के मुआयना करवाऊं तो मुझे हेपेटाइटिस सी आया लीवर फाउंडेशन में आया यहाँ पर आकर मैंने अपनी रिपोर्टें वगैरह सब कुछ दिखा दी हेपेटाइटिस का एक मेडिसिन मिला इलाज करवाया इलाज के बाद मैं ठीक ठाक हो गया उसके बाद जब मैं गया वहाँ पर अपने गांव जो भी बता रहा था मैं उसको लेके आ रहा था यहाँ लीवर फाउंडेशन में यहाँ पर एक समझ लो एक बेहतरीन इलाज है और सहूलत भी बहुत है यहाँ पर सारे स्टाफ डॉक्टर ख़ास करके अपने अजीज़ हक साहब हैं बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ का इदारा भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह हमारा इलाज भी हुआ आज अल्लाह का शुक्र है 60 या 70% लोग हैं मेरे जो यहाँ से मेडिसिन खा रहे हैं जिनके टेस्ट हो रहे हैं मुफ्त इलाज हो रहा है मेरा नाम शमा है मेरा ताल्लुक कुरंगी से है मेरे को हेपेटाइटिस सी है और अचानक मेरे को दर्द हुई उसके बाद मैंने टेस्ट वगैरह करवाए टेस्ट वगैरह लेकर मैं लीवर फाउंडेशन में आया यहाँ पर इन्होंने मेरी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट की बहुत कोऑपरेटिव इदारा है और जितनी भी ट्रीटमेंट होती है फ्री में होती है मैं इनसे बहुत खुश हूँ मेरी फैमिली बहुत खुश है The Liver Foundation is tirelessly serving the poor and needy patients. This one-of-a-kind revolutionary clinic provides the following services free of cost. Screening test, all types of blood tests, vaccination, ultrasound, fibroscanning, genuine medicines, qualified doctors and consultants monitoring. Follow a blood test to ensure there's no relapse of the disease. My name is Dr. Tuber Shah. मैं एक मेडिकल ऑफिसर होती हूँ इन द लिवर फाउंडेशन आज हम बात करते हैं हेपेटाइटिस के बारे में हेपेटाइटिस जिसको आम जबान में काला यरकान कहा जाता है ये एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे मुआशरे में काफ़ी तेज़ी से फैल रही है हेपेटाइटिस दो तरह के होते हैं एक एक्यूट हेपेटाइटिस और दूसरा क्रॉनिक हेपेटाइटिस एक्यूट हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस ए और ई आ जाता है जिसका इलाज 12 हफ्ते से कम में किया जा सकता है जबकि क्रॉनिक हेपेटाइटिस जिसमें हेपेटाइटिस बी सी और डी होते हैं इनका इलाज 3 माह से लेकर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट तक चलता है द लिवर फाउंडेशन में हेपेटाइटिस के पेशेंट्स को फैसिलिटेट किया जाता है यहाँ पर पेशेंट्स रजिस्टर किए जाते हैं उसके बाद उनको डॉक्टर प्रॉपर मुआयना देता है यहाँ पर मरीज को और मरीज की फैमिली को स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन के मरहले से भी गुजारा जाता है
ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मुफ्त दी जाती हैं। फॉलोअप में उनके मुख्तलिफ खून के टेस्ट किए जाते हैं। उसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है तो अल्ट्रासाउंड और फाइब्रो स्कैन भी किया जाता है। ये फैसिलिटीज़ भी द लिवर फाउंडेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मुफ्त फराहम की जाती है। शुरुआत से लेकर आखिर तक उनके तमाम टेस्ट, उनकी तमाम दवाइयाँ, उनका अल्ट्रासाउंड, उनके फाइब्रो स्कैन, ये तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पर मुफ्त फराहम की जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फरीन फातिमा है और मैं यहाँ पर द लिवर फाउंडेशन में रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर हूँ। जब से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, द लिवर फाउंडेशन इज़ ऑल अबाउट सर्विंग पीपल। द लिवर फाउंडेशन में काम करने से पहले मैं ऑलरेडी जो है वो कहीं और भी ड्यूटीज़ कर रही थी, लेकिन यहाँ मेरी जो अट्रैक्शन या मुझे अपीलिंग चीज़ लगी वो ये कि इट्स ऑल अबाउट फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट टू पुअर्टी द पीपल हु आर पुअर। हम डॉक्टर के तौर पर उनका पूरा मुआयना करते हैं। हेपेटाइटिस के ए बी सी डी ई की इनकी एग्जाम है, जिसमें से हम यहाँ पर हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट्स एंड डेल्टा वायरस ऑल्सो हम इनको ट्रीट कर रहे हैं। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजीज में हमारे पास लिवर बायोप्सी का ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर है, जिसको फाइब्रो स्कैन मशीन कहा जाता है। लिवर बायोप्सी की इन्वेसिव प्रोसीजर है, जिसमें आप नीडल डाल के फिर एक पेशेंट का आप लिवर को इवेल्यूएट करते हैं कि उसका कितना सिरोसिस हुआ है, कितना ज़्यादा डैमेज हो चुका है हेपेटाइटिस से। उसका ऑल्टरनेटिव और एडवांस्ड फॉर्म हमारे पास फाइब्रो स्कैन की फॉर्म में लिवर फाउंडेशन में हमारे पास ये मशीन अवेलेबल है। पेशेंट का लैब में हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग में सी आ गया, तो हम उस पेशेंट को फिर बड़ा टेस्ट यानी पीसीआर कराते हैं। उस बड़े टेस्ट के लिए हम उस पेशेंट को डेट दे देते हैं। हमारे पास लैब्स हो रही हैं मंडे थर्सडे को। हम पेशेंट्स को सिर्फ ट्रीटमेंट मेडिकेशंस स्टार्ट करके एक बार रवाना नहीं कर देते, बल्कि हम उस पेशेंट को अच्छे से काउंसिल करते हैं कि आपने 15 डेज के बाद आफ्टर एवरी 2 वीक्स आपने यहाँ पर आके हमें मुआयना कराना है। By the grace of Almighty Allah, Trust's tireless efforts and with the help of dignitaries, the Liver Foundation is operating successfully and has organized camps in the outskirts of Karachi, mainly in East and West. The areas covered at present are Malir, Maimongot, Pathan Colony, Orangi Town, Cherapau, Jamkanda, Stargate, and Machar Colony, to name a few. The achievements by the result of these efforts made by the Liver Foundation have been nothing but extraordinary. From 2009 till December 2018, approximately 9,500 patients have been screen tested. Around 3,550 patients have been successfully treated since 2009. Over 20 hepatitis camps have been held in this time span, and around 900 patients are currently under treatment at the clinic. The Liver Foundation aims to spread its operation and help the underprivileged people throughout the province of Sindh and extend its operation countrywide in the near future. Assalamu alaikum, mera naam Samir Rehman hai aur mera taluq real estate ke shobe se hai aur pichle 32 saal se isme main kaam kar raha hu. Meri walida jab liver cirrhosis mein hui to mujhe andaaza hua ke liver cirrhosis mein jo masail patients ko aate hain jo afford nahi kar sakte उनको क्या मसाइल आते हैं, तो मेरे दिल में वो दर्द मौजूद था। तो अल्लाह ताला ने मुझे जब इस काबिल कर दिया तो मैं अपने हम ख्याल जो मेरे दोस्त हैं और मेरे क्लाइंट हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं, और एक उनका हमने एक पूल बनाया, और एक हमारे बहुत अजीज़ दोस्त अजीज़ुल हक़ साहब जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी से वाबस्ता थे, तो उनसे मैंने दरख्वास्त की कि हम एक ऐसा कोई क्लिनिक स्टार्ट करते हैं जिसमें हम मेडिकल के शोबे से जो भी हम खिदमात दे सकते हैं। हम खुद इस फील्ड में तो टेक्निकल नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में जज्बे थे। उस जज्बे की बुनियाद पर अल रहमान क्लिनिक से स्टार्ट करके फिर हमने इसको सोचा कि इसको हम बिल्कुल सेपरेटली कर दें। तो हमने एक ये पीसीएच सोसाइटी में ऑफ शारा फैसल फरहान होटल के पीछे एक हमने एक प्लॉट ख़रीदा सब तमाम दोस्तों की मदद से, और फिर इसको हमने टोटल मुख्तस कर दिया लीवर के इलाज के लिए। तो इसका हमने नाम रखा लिवर फाउंडेशन, जो अभी एक साल से यहाँ कायम है, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 3,500 के करीब पेशेंट्स को जो है ना मुकम्मल सेहतियाब किया अल्लाह ताला की मदद से और अपने दोस्तों के बाप की मदद से। और इसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फ्री इलाज करते हैं, जिसमें कंसल्टेंसी से लेके मेडिकल दवाइयों तक और लैब टेस्ट और जितने भी जिस किस्म के भी टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसमें हम टोटल मुकम्मल फ्री इलाज करते हैं। हेपेटाइटिस एक खामोश कातिल है, तो हमारा अलमिया यह है कि लोग जो है इसको इलाज करते हुए कतराते हैं, क्योंकि उसके बगैर भी उनका काम चल रहा होता है। और तो उसमें हमें अवेयरनेस के भी हमने उसमें प्रोग्राम किए हैं,
और जो हमारे सबर्ब्स एरिए हैं जो कराची से बाहर हैं उसमें लोगों को हमने वहाँ जाके कैंप भी किए हैं। वहाँ भी हमारा अलमिया ये होता है कि वो लोग आ तो जाते हैं, हम उनको डिटेक्ट भी कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव्स हैं, लेकिन उनका इलाज करने में हमें इशू ही आता है कि वो हमारे पास टेस्ट करने के लिए भी इवन नहीं आ पाते, तो हमें दोबारा उनको उनके लिए दवाइयाँ फराहम करने के लिए भी हमें उन्हीं के डोर तक जाना पड़ता है। तो इसमें मेरा सबसे गुजारिश है अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों से और अपने जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं जहाँ तक मेरा पैगाम पहुँच रहा है वो हमारा साथ आएँ, हमें उनकी मदद की ज़रूरत है, वो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हम उनके लिए हमारे दरवाज़े खुले हैं, हमारे साथ आएँ, हमारे साथ मिल के काम करें और हम हर वक्त उनके मशवरे और जो है उनके लिए हम जो है आगे से आगे रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजीज़ुल हक है, मैं बुनियादी तौर पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और लाइफ टाइम मेम्बर हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान का। 2009 में जब हम अल रहमान क्लिनिक के उरूज पर थे और हमारे यहाँ कम से कम 150-200 मरीज़ों का इलाज होता था, हमारे चेयरमैन समीउर रहमान साहब ने बताया कि उनकी वालिदा को सिरोसिस हुआ था जो कि लिवर की एक डिज़ीज़ है और जो बड़ी ख़तरनाक डिज़ीज़ होती है, और इन्होंने काफ़ी कोशिश की और उस वक्त इलाज भी बड़ा महंगा था और बड़ा टेक्निकल था, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी से वो उसमें इंतकाल कर गई। तो इनका ये मशवरा था कि हम एक लिवर डिज़ीज़ का अस्पताल बनाएं जिसमें हम गरीबों का और ऐसे लोगों का कि जो इस इलाज को नहीं कर सकते वो इलाज करें। उसके लिए हमने पहला कदम जो बढ़ाया वो ये था कि हमने ये जगह ली और इसको हमने यहाँ एक क्लिनिक बना दिया। ये हमने एक नए ट्रस्ट के नाम से ली जिसका नाम है दी लिवर फाउंडेशन ट्रस्ट रजिस्टर्ड, और यहाँ हम पिछले साल आए और एक साल में हमारा पहला कदम ये था कि किसी तरह से हम इस क्लिनिक को अंडर वन रूफ इस काबिल कर दें कि हेपेटाइटिस का किसी किस्म का भी मरीज़ आए तो हम इसका यहाँ मुकम्मल इलाज कर सकें, उसको मुकम्मल फैसिलिटीज़ दे सकें, उसके तमाम ब्लड टेस्ट कर सकें और उसके मुख्तलिफ और भी टेस्ट करें जिसमें अल्ट्रासाउंड है, फाइब्रोस्कैन है, और अल्लाह के फजल से हम उसमें कामयाब हैं। अब हम इससे आगे बढ़ना चाह रहे हैं जिसके सिलसिले में अब हम इस वक्त कराची के एक बहुत बड़े अस्पताल आगा खान हॉस्पिटल की कम्युनिटी सर्विस पे काम कर रहे हैं जो वो इलाके हैं कि जहाँ से मरीज़ अपने घरों से बाहर नहीं आ सकते। इसके अलावा हम एक दो फलाई बहबूद इदारों के साथ भी काम कर रहे हैं जो बहुत ही गरीब लोगों के साथ काम होता है, और इस वक्त अब हमें ज़रूरत है कि हमें कुछ ट्रांसपोर्ट चाहिए, कुछ हमें मदद चाहिए ताकि हम इस इदारे को और आगे बढ़ाएँ और मुख्तलिफ़ इसमें दूसरे काम की तरफ जो लिवर हॉस्पिटल का हमारा नज़रिया उसमें आगे बढ़े। अभी हमें अनकरीब में हमने गेस्ट्रो का काम शुरू कर दिया है, गेस्ट्रो की दवाएं मंगा ली हैं क्योंकि वो भी लिवर के मरीज़ों के मसाइल आते हैं, तो वो भी हम फ्री कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे वेल विशर्स, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, हमारे ट्रस्टी हमारे साथ मिलकर हमारे हाथ बटाएँ। मेरी उनसे गुजारिश ये होगी कि वो यहाँ आएँ, और जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है उससे भी ये गुजारिश होगी कि वो आएँ, हमारा क्लिनिक विज़िट करें और देखें कि हम क्या काम कर रहे हैं और अपने मुफीद मशवरों से हमें मुस्तफीद करें ताकि हम और आगे बढ़ सकें। और मुझे बड़ा फ़ख्र से ये कहना पड़ता है कि हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, बस ये है कि अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। The Liver Foundation's ultimate mission is to establish a free-of-cost liver disease care hospital in Pakistan. It is also supporting WHO and other organizations to completely eliminate hepatitis from Pakistan. Let us work together and make efforts to spread the Liver Foundation's mission and help eliminate this life-threatening disease from our country and all over the world.